नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। महाकाल मंदिर परिसर में वीडियो रील बनाने को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल गर्भगृह और मंदिर परिसर में दो युवतियों ने जलाभिषेक और डांस का वीडियो शूट किया है। इन वीडियो में बॉलीवुड सॉन्ग जोड़कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। इस पर मंदिर के पुजारी ने आपत्ति दर्ज कराई है। वहीं कलेक्टर ने जाँच के बाद कार्रवाई की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अक्टूबर को धनतेरस के दिन प्रदेश के 4.5 लाख लोगों को गृह प्रवेश कराएंगे। वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रम में जुड़ेंगे और सतना जिले के लोगों से वर्चुअली बात करेंगे। प्रधानमंत्री एक महीने में तीसरी बार कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान की 12वीं किस्त जारी कर दी गई है। दिवाली से पहले देश भर के 12 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में आज 2,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम किसान योजना के तहत 12वीं किस्त के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की। इंदौर नगर निगम द्वारा अवैध निर्माणों पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। निगम द्वारा आज कनाडिया से खजराना मंदिर की ओर ई2 लिंक सड़क निर्माण हेतु आरक्षित जमीन पर अवैध निर्माण करने पर आयुक्त प्रतिभा पाल के निर्देशानुसार जोन क्रमांक 10 के अंतर्गत आरक्षित जमीन पर अवैध निर्माण करने तथा रोड पर निर्माण कर यातायात बाधित करने के साथ ही लगभग 2,000 स्क्वायर फीट से अधिक बिना अनुमति अवैध निर्माण करने पर क्राउन कम्युनिटी हॉल पर रिमूवल की कार्रवाई की गई। नफीस बेकरी के मालिक अब्दुल रहीस द्वारा अवैध निर्माण करने तथा सड़क निर्माण हेतु आरक्षित जमीन पर अवैध निर्माण करने पर रिमूवल की कार्रवाई हुई। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सिगरेट और तंबाकू को लेकर कहा कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में मध्य प्रदेश में हुक्का बार को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक संशोधन किया जा रहा है। जुर्माना और सज़ा दोनों ही बढ़ाई जा रही है। राजधानी भोपाल के लिंक रोड वन इलाके में सोमवार को जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। करीब 35 करोड़ 60 लाख रुपए कीमती सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। जमीन पर अवैध तरीके से गौशाला झुग्गी बना रखी थी। जब एसडीएम तहसीलदार कार्रवाई करने पहुंचे तो एक व्यक्ति ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस पर टीटी नगर थाना पुलिस ने वीरेंद्र गिरी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे जेल भेज दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सुबह 10 बजे मतदान शुरू हुआ। कांग्रेस में 24 साल बाद नेहरू गांधी परिवार के बाहर से कोई अध्यक्ष बनेगा। प्रदेश कांग्रेस समितियों के 9,000 से अधिक प्रतिनिधि गुप्त मतदान के जरिए पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव किया। नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय और देश भर में 65 से अधिक केंद्रों पर मतदान हुआ। कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में छठी बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। मध्य प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम फिर बदलने लगा है। सोमवार सुबह से प्रदेश के कई इलाकों में तेज़ हवाएं चली। इससे दिन में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, बुरहानपुर और खंडवा में कहीं कहीं बारिश के आसार जताए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 7 नए केस आए हैं। वहीं 10 मरीज ठीक हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल एक्टिव केस 109 हैं। वहीं संक्रमण दर 0.19% है और रिकवरी रेट 98.70% है। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।